मिल्क कॉफी है क्या? मिल्क कॉफी बहुत ज़्यादा खट्टी है यार। वो आ रहा है बंदा 3 मिनट में। नो, I just visited Thailand first time. Yes. After this, I will go to Phuket. I was nervous before traveling to Thailand. But फैला हुआ था मलेशिया के एरिया में, वहाँ से डेड बॉडीज यहाँ पे आती थी। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। नहा धो के बाहर निकला हूँ, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी लेट हो चुका है। ये जो पेड़ है सब इमली के पेड़ है और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सुंदर पेड़ है, और इनको आकार जिस तरह से दिया है ना, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बढ़िया दिखने में लग रहा है। इधर टी 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 कॉफ़ी टी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी एपेसो थाई स्टाइल आई कॉफ़ी मिल्क कॉफ़ी है क्या? मिल्क कॉफ़ी मैं कॉफ़ी पी रहा और इन्होंने मुझे एक लेमन थोड़ा ला के दिया है। मैंने कुछ मांगा नहीं था, इन्होंने ला के दे दिया। पता नहीं अभी इसके पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, पता नहीं मुझे। ये कुछ ऐसा है, पैकिंग विकिंग इसकी बहुत बढ़िया रहती है। इसका हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप इनकी तरफ भी देखिएगा, हाथ में ग्लोव पहने इन्होंने, और हर चीज़ को बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अपने यहाँ टी स्टॉल पर वगैरह अगर इस तरह की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता तो बहुत बढ़िया बात होती। देखता है, ट्राई करता हूँ कैसे लगता है, देख लेता हूँ। देखो स्ट्रॉ के ऊपर भी इस तरह सा एक कागज़ लगा हुआ है, स्ट्रॉ के ऊपर है। इसकी वजह से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ कितना ध्यान रखा जाता है स्वच्छता का। अभी देखता हूँ, ये लेमन टी दी है तो दी है, लेकिन कैसी लगती है देख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा खट्टी है यार। मैं पूछिए। Yes. Thank you. You are so nice. What's your name? What's your name? Suphan. Suphan. Hello. My name is Popat. Oh, yeah. I am from India. India and Thailand are very close friends. We Indians also are namaskar. In this type. Yes, yes, yes. वो बहुत बढ़िया था बंदा। उन्होंने मुझे एक नींबू सोडा पिलाया, उसका पैसा नहीं लिया। बहुत बढ़िया लोग है यार थाईलैंड के। 35 बात का उन्होंने मुझे एक कॉफ़ी दी थी, मगर नींबू सोडा जो दिया उसका पैसा नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी एक गोल्डन माउंट देखने के लिए, और वहाँ जाने के लिए मैंने एक बाइक बुक की है बोल्ट ऐप से। और ये देखिए अराइविंग 3 मिनट्स में दिखा रहा है। ये बंदा बाइक से आ रहा है। मुझे पता है कि बाइक वाले बहुत तेज़ से गाड़ी चलाते हैं, मगर उसका भी एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कैसा क्या होता है, देखते हैं। वो आ रहा है बंदा 3 मिनट में मेरे पास, और 32 बात में थाई बात में मुझे ये लेके जाएगा। तो अपना सफ़र शुरू हो चुका है बाइक के ऊपर से। पता नहीं अभी कैसे बाइक चलाएंगे, क्या चलाएंगे। बहुत फास्ट ज़रूर चलाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोल्डन माउंट के पास। 32 थाई बात में उसने हमको यहाँ पे पहुँचा दिया है। 50 बात की ये टिकट हमने अभी खरीद ली है यहाँ से, और जा रहा है अभी ऊपर। वाह, इसमें देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यार। ये देखिए คนจะรู้ว่าศาสนาดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นतो लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कारण ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रहा है क्योंकि हर जगह पानी है। और ये देखिए यहाँ से शहर का व्यू काफी खूबसूरत दिखता है ऊपर से। वाओ, बहुत बढ़िया। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है और जैसे कि पूरे बैंकॉक में अभी तक मैं जितना घूम चुका हूँ सभी जगह के टेम्पल्स एक जैसे ही है, लगभग थोड़ा सा उसमें बदलाव है मगर एक जैसे है। हमारे देश में जैसे मंदिर बहुत जगह पे है मगर उसका ढांचा और उसका आर्किटेक्चर लगभग एक समान होता है, बिल्कुल यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। आप देख सकते हैं यहाँ भी घंटियाँ बांधी है, हमारे मंदिर में भी घंटियाँ होती हैं। कमल के फूल, क्या नज़ारा दिखता है यार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको इस शहर का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया है। Where you from? Holland. Holland. Oh, so far. अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये जो स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति है ना, हमने कल देखी थी, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। स्लीपिंग बुद्धा है और हमने स्टैंडिंग बुद्धा की भी मूर्ति देखी थी, तो शायद यहाँ भी हो सकती है कहीं भी। लेकिन एक बात है, हर जगह पे आपको इस तरह के कमल के फूल ज़रूर दिखाई देंगे। Where you from? Japan. Japan. Oh, nice. I'm from India. India. Right. You visited India? Huh? You visited India? I've never been here. No. I want to go there. Okay, come. Yeah, yeah. It's very beautiful country. Yeah, I know, yeah. Where in India? One Bombay. Bombay. Yes, Mumbai. One of my relatives is living in Japan. Japan? Yes. I don't know exactly his location, but he's doing job in Japanese company. Oh, like programmer? Ah, yes. Oh, yeah. Oh, civil engineering. Actually, he's civil engineer. Nice. So you're traveling in Thailand? No, I just visited Thailand first time. Yesterday I arrived here. Beautiful place, huh? Huh? This is very beautiful place. Yeah, it's great. I think it's the biggest temple in Thailand. Yes, right? Biggest temple, and view outside is definitely very good. There are so many temples we can see. We can see long. Yeah, many places we visit. Okay, I was in Chiang Mai. You know Chiang Mai? Chiang Mai, yes. I heard about city name. Yeah, it's a good city. It's ancient capital. Ancient chapter. Oh, Thailand. Nice. After this, I will go to Phuket. Phuket, alright. You visited Phuket? It's a long time ago, yeah. You come here first time or this is second? This is like 3 or 4 times. Oh, so many times. I didn't count anymore. I've been in Thailand for like 6 months now. Okay. 6 months. 6 months? Oh. Almost deep. Big time. Yeah. Oh, very nice. I am traveling alone. Nice. No anybody with me. Yeah, I think it's traveling alone. It's very nice. Okay. It's easy to travel alone. Yeah, you can. Not difficult. Yeah. Actually, I was nervous before traveling to Thailand, but when I arrived here, it feel very good. Food is good. Like you can. Food is good. English. waiting for that. Yes. And atmosphere is very good and very clean city. It's very yes. Actually, Buddha born in India. Yeah, I know. Actually, I told you I was in Chiang Mai, right? And I was living in temple. For 2 weeks. I was in temple for 2 weeks. Okay. Studying meditation. Yoga. No yoga, only meditation. Only meditation. Yes. Do you meditate? Do you meditate? No. Never. But you are Hindu. Yeah? Hindi. Yes, I am Hindu. Yeah. Hindu and Buddha is very close. Not so different. The culture is same, almost same. Not full, almost same. डिसीज फैला हुआ था मलेशिया के एरिया में, वहाँ से डेड बॉडीज़ यहाँ पे आती थी और ये टेंपल उस डेड बॉडीज़ को हैंडल करने में नाकामयाब रहा। तब कुछ डेड बॉडीज़ को इस तरह से खुले में छोड़ा गया पंचों को खाने के लिए। वाह, ठीक है ना। वॉल्टर्स बिगैन कमिंग टू द टेम्पल टू ड्यूअर द डेड बॉडीज़। The communicable disease kept spreading every dry season in Bangkok until the early reign of King Rama Fifth. The temple became the main food court for vultures. The most severe epidemic was in 1849 during the reign of King Rama Second. इसका मतलब ये है कि अभी जो कोरोना का फैलाव सारी दुनिया में हुआ है, बिल्कुल वैसा ही फैलाव पहले भी हुआ है और तभी भी बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जैसे अभी कोरोना से हो गई है। तो मतलब ये चलता आ रहा है पहले से। अभी कोरोना है, पहले अलग अलग बीमारियाँ थी।